हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर बच्चे पढ़े ट्वेल्थ साइंस फिजिक्स चैप्टर नंबर 14 चल रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 14 में क्या है, जो ट्रांजिस्टर का पार्ट है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस ऑफ गुजराती मीडियम। मतलब 14 नंबर के चैप्टर का ये जो पार्ट है वो गुजराती मीडियम के सिलेबस में नहीं है, ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर वाला। लेकिन नीट के सिलेबस में है, जेई के सिलेबस में है, तो मैं अभी उसके बाद वाला टॉपिक करवा दूं आपको, जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। वो वाला पोर्शन मैं करवाऊंगा, चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, लेकिन मैं आपको करवा दूं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं, राइट। चलो सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत कहां से होती है। सो बच्चों, शुरुआत होती है उसके सिग्नल्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? इट इज जस्ट अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये है तो ऐसा मिलना चाहिए, यह है तो ऐसा मिलना चाहिए, राइट। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट लॉजिक गेट्स, लॉजिक सर्किट्स, राइट। चलिए सबसे पहले समझने का ट्राई करते हैं हम लोग कि एनालॉग सिग्नल किसको बोलते हैं। सो एनालॉग सिग्नल का मतलब यह होता है कि जिस किसी की वैल्यू, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले रहे हैं, चाहे वो वोल्टेज हो या करंट, कुछ भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा टाइम के साथ में वैरी होती है। सपोज आई टेक वोल्टेज हियर, देन दिस इज वन ऑफ द एनालॉग सिग्नल पॉइंट। ये क्या है? एनालॉग सिग्नल है। जरूरी नहीं कि ऐसी कोई हम लोग एनालॉग सिग्नल बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो भी हम लोग इसको एनालॉग सिग्नल बोल सकते हैं, राइट। दिस वैल्यू विल ऑल्सो वैरी विद द टाइम, so that's why this is also called the analog signal। तो इसी को नाम देते हैं analog signal, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में हमेशा चेंज होती रहती है, इसको क्या नाम देते हैं? analog signal। घड़ी में आप लोगों ने देखा रिस्ट वॉच, एक वो जिसमें सेकेंड हैंड, मिनट हैंड, आर हैंड होते हैं, वो आता है, और एक डिजिटल होता है जिसमें सिर्फ नंबर दिखते हैं, राइट। तो वो जो डिजिटल वाला होता है वो, मतलब जो नंबर वाला होता है उसको डिजिटल बोलते हैं, और जो वन मिनट हैंड, सेकेंड हैंड वो वाला होता है उसको एनालॉग बोलते हैं। वैसा भी ये है, राइट। अभी हमारे पास डिजिटल का मतलब क्या होता है? सो यहां पर अगर मैं डिजिटल सिग्नल की बात करूं बच्चों आपको, देन सपोज मैं वोल्टेज लेता हूं यहां, देन दिस इज द डिजिटल सिग्नल, दिस इज द डिजिटल सिग्नल। ये होता है यहां पर डिजिटल सिग्नल। इसमें सिर्फ दो पोजीशन होती है, इसमें सिर्फ दो पोजीशन होती है, वन इज जीरो एंड अदर वन इज वन। एक जीरो होता है, एक वन होता है, इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। फिर से, इसको हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। ये जो जीरो वाला होता है वो पोजीशन को हम लोग ऑफ बोलेंगे और वहां पर वोल्टेज लेते हैं जीरो। ये जो वन वाला होता है उसको ऑन बोलते हैं और उसके वोल्टेज होते हैं 5 वोल्ट, राइट। तो ये ऑन ऑफ कंडीशन आपको दिखा रहा है। दूसरी बात, हमारे घर में स्विच है लाइट के लिए, या तो उसकी कंडीशन ऑन होती है या तो उसकी कंडीशन ऑफ होती है, बस। तो ये बात भी यहां पर सुटेबल है, ऑन एंड ऑफ दो ही कंडीशन में ये काम करेगा। बच्चों, आजकल का जमाना इलेक्ट्रॉनिक्स का है और इसी के लिए डिजिटल सिग्नल इज मोर प्रेफरेबल विद कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ एनालॉग सिग्नल, राइट। अभी हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अभी हमारा अगला स्टेप लॉजिक के साथ में जुड़ा हुआ है। सो सबसे पहले डिफाइन करेंगे लॉजिक गेट्स, करेक्ट। लॉजिक गेट्स क्या है? दिस इज द लॉजिक सर्किट, दिस इज द लॉजिक सर्किट विच कंटेन्स वन और मोर इनपुट्स बट ओनली वन आउटपुट। इसके पास एक और एक से ज्यादा इनपुट होता है और आउटपुट होता है एक। गेट नाम क्यों दिया है? इसके अंदर वर्ड गेट का मतलब क्या है? तो वो कोई प्रोसेस करके, वो एक कंडीशन के हिसाब से आपको आउटपुट देता है, कंट्रोल करके देता है,
दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दी गेट्स. इसीलिए इसको क्या नाम दिया है बच्चों, गेट नाम दिया हुआ है. राइट ओके. तो ये लॉजिक गेट्स क्या हुआ, आ गई बात समझ में. दूसरी बात, ये लॉजिक गेट्स के साथ में क्या करना है. लॉजिक गेट के साथ में हमको सबसे पहले समझाना है ट्रुथ टेबल. क्या है ट्रुथ टेबल? ऐसा नहीं कि जो टेबल के बैठ के सब सच बोला जाए उसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं. नॉट लाइक दैट माय डियर बच्चा वार्डी, ऐसा टेबल नहीं है. ये टेबल क्या करता है, ये लॉजिक गेट्स के इनपुट्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट आउटपुट्स होते हैं उसको कंबाइन करके बनाया जाता है. सो ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट द इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ द लॉजिक गेट्स. ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट द इनपुट्स एंड द आउटपुट्स ऑफ द लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट के इनपुट एंड आउटपुट को हम लोग ट्रुथ टेबल से बताएं. देन आफ्टर बुलियन इक्वेशन. बुलियन इक्वेशन क्या है, दिस इज द जॉर्ज बुल साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत समझाया था कि भाई ऐसा किया जाए. पहले तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बने थे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बने. राइट तो बुलियन इक्वेशन का मतलब है द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ द लॉजिक गेट रिप्रेजेंट मैथमेटिकली, then it is called the Boolean equation. Boolean equation का मतलब समझ में आ गया, कौन सी प्रोसेस, मैथमेटिकल प्रोसेस. कौन समझाएगा, लॉजिक गेट. और इसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसको नाम देते हैं हम लोग बुलियन इक्वेशन. राइट हमारे पास बेसिकली पांच गेट्स है. नंबर वन दैट इज नॉट गेट. नंबर टू वी हैव और गेट, देन एंड गेट, then NOR gate, then NAND gate. Right? ये पांच तरीके के गेट को हमको राइट नाउ आज समझना है. आई बात समझ में. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा काम. सबसे पहले गेट को समझाने के लिए हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला वाला जो गेट है उसका नाम है नॉट गेट. राइट तो सबसे पहला गेट हमारे पास नॉट गेट. नॉट गेट. तीन चार बात आप याद कर लो, सभी गेट्स राइट नाउ अभी आपको लर्न हो जाए. नंबर वन, उसका सर्किट सिंबल कैसा होता है. द सर्किट सिंबल ऑफ द नॉट गेट इज लाइक दिस. सी, एक इनपुट सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट. सो दिस इनपुट इज कॉल्ड ए, द आउटपुट इज कॉल्ड वाई. हो गई बात. इनपुट के लिए दो चॉइस है हमारे पास, क्योंकि बाइनरी सिस्टम में गए तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है. राइट तो एज शोन इन द फिगर दैट इज अ सर्किट सिंबल ऑफ द नॉट गेट. उसके अंदर की सर्किट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. बाकी ऐसा नहीं होता कि ये काम करने वाला, ये तो सर्किट सिंबल है मेरे भाई, समझना है. दिस इज द सर्किट सिंबल, दिस इज नथिंग एल्स. ओके, अंदर तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है होते. नाउ व्हाट अबाउट द ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल बनाओगे उसके ऊपर से इसका काम लिख सकते हो. ट्रुथ टेबल के अंदर बताया वैसे इसका एक इनपुट होता है और आउटपुट होता है. इनपुट को नाम देते हैं, आउटपुट को नाम देते हैं भाई. अभी मैंने बोला इनपुट की दो चॉइस है, या तो जीरो या तो वन, या तो जीरो या तो वन. अगर इनपुट जीरो है तो ये आउटपुट जीरो नहीं है. कौन बोलता है, नॉट गेट. अभी जीरो नहीं है तो क्या होगा, वन. तो ये हो जाएगा आउटपुट. ओके यहां पे वन है, ये नॉट गेट क्या बोलेगा, ये आउटपुट में वन नहीं है तो वो क्या होगा, तो वो होगा जीरो. आई बात समझ में. राइट सो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द विच गेट माय डियर पच्चावाड़ी. दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर द यू कैन से नॉट गेट. अभी इसके ऊपर से आप उसका काम समझाएंगे. एज द इनपुट इज मिनिमम द आउटपुट इज मैक्सिमम. As the input is maximum, output is minimum. मतलब एक को maximum और zero को minimum. ऐसे हम लोग बता सकते हैं. अभी इसके साथ में हम लोग और क्या बोल सकते हैं.
तो अभी इसके साथ में हम लोग ये भी बता सकते हैं बच्चों कि इसका बुलियन इक्वेशन क्या हो सकता है. सो वाई इज इक्वल टू ए, उसके ऊपर ये लगा दिया. रीड कैसे करेंगे उसको? सो इसको रीड करेंगे नॉट ए, इसको बोलेंगे बार, इसको बोलेंगे बार. तो अगर मेरे पास a इज इक्वल टू जीरो है तो y इज इक्वल टू जीरो का बार मतलब क्या होगा? वन. अभी a इज इक्वल टू वन है तो मैं y इज इक्वल टू वन का बार का मतलब हो जाता है जीरो. आई बात समझ में? बस ऐसे काम हो जाएगा आपका. बार का मतलब होता है उसका उल्टा लेना है. यहां पे जीरो, दैट्स इट, दिस इज फॉर द नॉट ए, बस उतना ही लिखना है. लेकिन सेंटेंस में लिखना है ये का, टेक्स्ट बुक में रीड करोगे मालूम पड़ेगा. नाउ द सेकेंड वन इज द ऑर गेट. काम तो वैसा ही करना है, वन टू थ्री, बस हो गया हमारा काम. सो हियर द सर्किट सिंबल फॉर द ऑर गेट इज लाइक दिस. दिस पोर्शन इज द कवर, then this one is also, then this one is also, right? And this is your output. बोलिए बच्चों, this is A, this is B and this is Y. तो यहां पर दो इनपुट और एक आउटपुट. नॉट नेसेसरी टू इनपुट्स, दो इनपुट हो ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों. दो से ज्यादा कितने भी ले लो चलेगा. फिर से, दो से ज्यादा कितने भी इनपुट्स ले लो चलेगा. राइट, सो हियर दिस इज द ऑर गेट. ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, है ना. फिर से इसके लिए इनपुट देन आउटपुट. इनपुट दो होते हैं ए बी और आउटपुट एक बनता है वाई. अभी मेरे पास कौन सी चॉइस है ये बच्चों? सो माई डियर बच्चा पार्टी ही, मेरे पास जो चॉइस रहेगी वो क्या होगी, वो समझा दूं आपको. यस, सो पहले तो दोनों जीरो हो सकते हैं, राइट. ए जीरो बी वन भी हो सकता है, ए वन तो बी जीरो भी हो सकता है, या दोनों वन भी हो सकते हैं, राइट. बाय दिस वे, आई बात समझ में? अभी इसका आउटपुट क्या होगा तो मैं बोलता हूं, सुनो अच्छे से. इफ एनी वन आउट ऑफ ऑल द इनपुट्स इज वन, एनी वन, कोई भी एक इनपुट वन है, देन द आउटपुट बिकम्स मैक्सिमम और वन. बस इतनी बात लिखनी है. इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन देन आउटपुट इज ऑल्सो वन. इफ एनी ऑफ द इनपुट इज वन then output is also one, that it is the OR gate. मतलब दो इनपुट में से मेरे पास दो है ऐसी है. अभी आप 50 भी ले लो या 100 भी ले लो या 1000, उसमें से कोई एक वन होता है तो आउटपुट वन मिलता है. लेकिन दोनों जीरो हुआ तो जीरो, तो यहां पे ये जीरो जीरो है तो यहां पे जीरो, जीरो वन तो वन, वन जीरो तो वन. वन प्लस वन टू नहीं होता बच्चों. क्यों? रीजन ये है कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम है. वन प्लस वन टेन होता है. अब बोलोगे सर वन प्लस वन टेन बोला. यस माय डियर बच्चा पार्टी, बाइनरी नंबर सिस्टम है. आगे सीखोगे तो मालूम पड़ेगा. और जिस किसी ने वन प्लस वन सीखा है ना उसको मालूम है यस द आंसर इज टेन, क्योंकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम है, राइट. बट स्टिल मैं यहां पर वन लिखने वाला बिकॉज आउटपुट इज मैक्सिमम. तो और एक बार बोलता हूं, आउट ऑफ ऑल द इनपुट इफ एनी इनपुट इज मैक्सिमम देन आउटपुट इज ऑल्सो मैक्सिमम. बात खत्म, क्लियर एंड कट. ओके, देन आफ्टर यहां से आगे जाएंगे उसका बुलियन इक्वेशन क्या लिखेंगे. सो बुलियन इक्वेशन लिखेंगे वाई इज इक्वल टू ए बी, के बीच में प्लस डाल दिया. तो अभी मुझे लिखना है वाई इज इक्वल टू ए और राइट right? तो ये हो गया और गेट, दैट्स इट. देखो कितना इजी इजी है यार, राइट. अभी तीसरे गेट की बात कर ले प्यारे बच्चों. तीसरे गेट का नाम आप सुनते हो, आपको मालूम है, एंड गेट.
राइट एंड गेट, है ना। बस थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन अलग है इसके साथ। सो द सर्किट सिंबल ऑफ दिस गेट इज लाइक दिस। तो ये हो गया एंड। देख सकती है दोनों कव पार्ट है, थोड़े बहुत स्ट्रेट हो गए, पीछे का पोर्शन ये कव हो गया, ये आगे का भी स्ट्रेट है। थोड़ा समझ के ड्रॉ करना है ताकि आप उसको अलग से पहचान सको। हो गया ये एंड गेट का सिंबल। अभी ग्रुप टेबल बनाते हैं। राइट, ट्रुथ टेबल में क्या है आपको पता ही है बच्चों, चिंता क्यों कर रहे हो। एक होगा इनपुट और दूसरा होगा आउटपुट। इनपुट में दो आते हैं बच्चों, राइट, टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट इज वन। सो यहां पर ये बन गया, चलिए राइट, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन। कोई बोलेगा सर मैं टू थ्री फोर फाइव ले सकता हूं, सॉरी प्लीज क्यों नहीं ले सकते। द रीजन इज दैट, क्यों, रीजन इज दैट क्यों, बट क्यों क्यों, क्योंकि ये बाइनरी नंबर सिस्टम चलता है प्यारे बच्चों, राइट। आई बात समझ रहे, इसे ना जीरो प्लस जीरो नहीं, अभी जीरो नहीं करना, अभी मैं इसका आउटपुट कैसे मिलता है वो स्टेटमेंट दो तीन बार बोलूंगा, समझ में। इफ ऑल द इनपुट्स आर मैक्सिमम then the output is maximum, if all the inputs are one then the output is one, फिर से if all the inputs are one then the output is one, all नहीं है zero, एक zero zero, यहां पर one मिलने वाला है, right। so ये हो जाएगा zero 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 and one, get the point। बस बच्चों अभी इसका formula लिखो, तो अभी इसका बुलियन इक्वेशन लिखो, तो क्या किया बताया आपने, y इज इक्वल टू ये लिखा, 0.0 0.1 1.0 1.1, राइट। तो प्यारे बच्चों ये हो गया y इज इक्वल टू a एंड b, क्लियर, y इज इक्वल टू a एंड b, दैट्स इट। क्या बात, एकदम से जोरदार वाली, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, एंड के साथ में अभी एन ओ आर लिखेंगे। कौन से गेट की बात हो रही है बच्चों, एन ओ आर गेट की बात हो रही है, नॉर गेट। क्या करेंगे इसके लिए, नॉर गेट के लिए बच्चों, ये ऑर गेट है, इसके आउटपुट में ये डाल दो, बन गया नॉर गेट। आई बात समझ रहे, मैंने जो बोला हुआ वही मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं। देखो दिस इज द, यू कैन से This one is the input for the OR gate. Yeah, the OR gate ban gaya. Here, this is the output. And here we have to put one NOT gate. Bas, ye kya ho gaya bachcho? NOR gate. Right? So here we have A, here we have B, this is the Y dash, and here this output is called Y. Barabar. अभी यही सिंबल मैं दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करने वाला हूं, मतलब यू कैन ऑल्सो ड्रॉ द सिंबल बाय दिस वे, ये बन जाता है। आई बात समझ में, बस तो फिर जलसा जलसा, राइट। तो अभी हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल और उसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला तो आपको खुद समझना पड़ेगा। अभी और गेट के आउटपुट में मैंने क्या डाल दिया, तो नॉट गेट डाल दिया, तो अभी फॉर्मूला भी आप खुद लिख दो। ये द वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, कहां तक का था ये, और उसके ऊपर डाल दिया नॉट, दैट्स इट, है ना। ओके, नाउ ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल के लिए मुझे अभी काम यह करना पड़ेगा बच्चों, इधर इनपुट इधर आउटपुट, राइट। इनपुट के लिए ए बी और आउटपुट मेरे पास दो रहने वाले, एक वाई एंड दूसरा वाई डैश। ये वाई डैश इज इक्वल टू लिखू तो मुझे क्या होगा बताए, वाई डैश इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा,
और y इज इक्वल टू क्या मिल गया, तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। सो नाउ इट इज बाय दिस वे, इट इज 0001 1011 राइट। अभी y डैश तो आपको मालूम ही है, ये वाला y डैश और वाला, सो यहां 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1, तो ये हो गया किसका आउटपुट प्यारे बच्चों, और का। लेकिन ये y क्या है, a प्लस बी का बार है, ये y डैश जो है वो a प्लस बी है, इसीलिए इसका बार करना पड़ता है। ओके, मैं यहां पे लिख भी दूं, दिस y डैश दिस इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, देन व्हाट इज y, सो दिस y इज इक्वल टू, यू कैन से दिस y इज इक्वल टू a प्लस बी होल बार। ओके, अभी तो समझ में आ जाएगा ना बच्चों, इसका बार लेना है, 0 का बार 1 1 का बार 0 1 का बार 0 1 का बार 0, बार का मतलब ये होता है, देखो समझ में आया कि नहीं आया, है ना, बहुत अच्छे। लास्ट गेट माय डियर बच्चा पार्टी, दैट इज एन ए एन डी गेट, एन ए एन डी गेट। अभी इसका सर्किट सिंबल, अरे यार आप तो सीख लिए, अभी सर्किट सिंबल वैसे ही बनाएंगे जैसे इसका बनाया, राइट, ये हो गया। अभी इसका आउटपुट दे देंगे नॉट गेट को, तो ये भी हो गया। बोलो, कोई बात तकलीफ वाली नहीं होनी चाहिए, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ए बी एंड ये हो गया वाई, राइट। तो अभी मैं यहां पे वाई डैश बोल दू तो वाई डैश इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू वॉट, सो मैं यहां पे लिख भी दो y इज इक्वल टू ए बी एंड होल बार, क्यों, पीछे नॉट गेट है यार, चिंता क्यों करते हो। अब इसका ऐसा ही सिंबल मैं ड्रॉ करूं यहां पर तो भी वही बात बनने वाली है, राइट, लाइक दिस, सॉरी ये बात ऐसे बन गई, ये ऐसा हो गया, राइट, दिस इज y एंड दिस आर द टू इनपुट्स माय डियर फ्रेंड्स, this one is a and this one is b, हो गई बात। अरे वाह, बहुत अच्छे से। अभी उसका ट्रुथ टेबल बना देते हैं, राइट। अभी ट्रुथ टेबल में क्या होगा, सो बच्चों ट्रुथ टेबल में यहां पे आएगा इनपुट, इनपुट मेरे पास दो होते हैं, यहां पे होगा आउटपुट, आउटपुट में एक y डैश इज ए बी एंड y इज इक्वल टू ए बी बार। देखो इस बार मैंने पहले से ही सब लिख दिया है ना, देन आफ्टर चार पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 राइट एंड 1 1, हो गई बात। अभी ए बी तो ये रहेगा ना भाई, दोनों में से कोई एक इनपुट मैक्सिमम तो आउटपुट मैक्सिमम, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1, यही रिपीट करना है, राइट। ये किसका आउटपुट हुआ, एंड गेट का, दोनों में से कोई एक इनपुट मैक्सिमम तो आउटपुट मैक्सिमम, बाकी कुछ नहीं, राइट। अभी क्या होगा, उसका बार करना है, मतलब 1 1 1 एंड 0, राइट। सो प्यारे बच्चों ये सब हमने जो समझाया वो किसके साथ में रिलेटेड था, लॉजिक सर्किट के साथ में रिलेटेड था। लॉजिक सर्किट कहां पे यूज होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आता है वहां पर, और ये गेट्स एक दो नहीं, लैक्स ऑफ के नंबर में यूज होते, इतने छोटे से पार्ट के अंदर आ जाता है। आईसी नाम सुना होगा, बस वो सब इसकी देन है, राइट। सो चैप्टर नंबर 14 का ऑलमोस्ट ऑल पार्ट खत्म हो गया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये पार्ट गुजरात बोर्ड के सिलेबस में है जीएसबी, लेकिन ट्रांजिस्टर वाला जो मिडिल पोर्शन अभी एक बाकी रहा मेरा, वो गुजरात बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सो वंस यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर गुजरात बोर्ड, डोंट प्रिपेयर ट्रांजिस्टर, बट फॉर द नीट एंड फॉर द JEE यू हैव टू प्रिपेयर इट, क्लियर।